मैं राहुल चौधरी आपका अपने परिवार परीक्षा डोज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मैंने बोला था, स्टैटिक जीके की हम क्लास कर रहे हैं डेली, जो कि आज हमारी क्लास है किसके बारे में। एक हमारी क्लास पहले हो चुकी है और आज हमारी क्लास किसके बारे में है एक बार देख लीजिएगा। एक मिनट, आज हमारी क्लास है वो है लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्यों के बारे में, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्यों के बारे में आज हम क्वेश्चंस आंसर करने वाले हैं, ठीक है। चलिएगा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार क्लास को आप शेयर कर दीजिए और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आप क्लास को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िएगा और आंसर बताइएगा मुझे एक बार। कह रहा है, शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, शंभू महाराज किससे संबंधित हैं, कथक से संबंधित हैं, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा और अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनीअट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, आपका हो जाएगा जय प्रभा मेनन। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, जय प्रभा मेनन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धेय योगी के प्रयासों से निम्नलिखित मतलब कौन सा नामक नृत्य को गौरवान्वित किया गया है। यानी कि सिद्धे योगी जो वो हैं कलाकार, वो कौन से नृत्य से संबंधित हैं, वो तो कौन से हो जाएंगे, कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लोकप्रिय नृत्य लाहू किस भारतीय राज्य से संबंधित है। लोकप्रिय नृत्य लाहू किस से है, मेघालय से आपका संबंधित हो जाएगा। किस राज्य से, मेघालय से आपका संबंधित है लाहौर नृत्य, ठीक है। चलिएगा, आगे क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, मोड से निम्नलिखित में से किस राज्य भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो पांचवें का आंसर आपका हो जाएगा नागालैंड, कहाँ से संबंध, नागालैंड का कौन सा नृत्य है आपका, मोड से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं हम, मिजोरम की नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है, वो कौन सी शैली है आपकी मिजोरम की। सर वो है खुल्लम। कौन सी, खुल्लम नृत्य में आपका गांव के अतिथियों में का विशेष रूप से भाग लिया जाता है, ठीक है। अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सर अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, तुल्लाल राज्य की एक एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है, वो किस राज्य से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तुल्लाल कहाँ से संबंधित है, केरल से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, सर धनगिरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से किस से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो दो ऑप्शन यहाँ पर हैं और आगे के ऑप्शन यहाँ पे हैं आपके महाराष्ट्र और क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। तो आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा महाराष्ट्र, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़िएगा, माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। माथुरी लोक नृत्य किस से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना से संबंधित है, ठीक है। आगे पढ़िए, मय माता राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है, वो कहाँ से संबंधित है आपका, त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। किससे, त्रिपुरा राज्य से आपका संबंधित हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने, पढ़ के मुझे आंसर बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का राज्य नृत्य है, मतलब राजस्थान का कौन सा राज्य नृत्य है। तो आपका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर राज्य नृत्य पूछा है आपका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, घूमर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, गंभीरा धाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध शैली हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा पश्चिम बंगाल की ये प्रसिद्ध शैली है। कौन सी, गंभीरा धाली और जात्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, गरवा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति में हुई थी, मतलब कहाँ पर इसकी उत्पत्ति हुई थी। 13वें नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा गुजरात, आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, गुजरात आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है निम्न कौन सही रूप से सम्मिलित नहीं है, यानी कि कौन सा है जो सही रूप से सम्मिलित नहीं है। तो मोहिनीअट्टम आप जानते हैं कहाँ से है, केरल से संबंधित है, यही आपका सही नहीं है और सारे ऑप्शंस आपके सही हैं। गरबा गुजरात से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, यक्षगान कहाँ से, कर्नाटक से आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15वां क्वेश्चन आपके सामने है। सर सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर सत्रिया आपका कहाँ पर है, असम से संबंधित है। कहाँ से सर, असम से संबंधित है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने सर, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है, तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, छऊ। ठीक है, चलेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने सर, कथकली नृत्य ललित कला के प्रारूपों का लयबंध संयोजन है, ये कितनी लय हैं प्रारूपों का संयोजन है, ये आपका 5 प्रारूपों का संयोजन है। ठीक है, कितने का, 5 का। ठीक है, 5 प्रारूपों का संयोजन है। ठीक है, भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है, भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है, तो आपका होगा तिल्लाना शब्द से संबंधित है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है, तो आप जानते हैं यहाँ पर देखो, ये कथकली हो जाएगा, कायकोटिकली हो जाएगा, थुलाल हो जाएगा, पर चपेली नहीं है। क्या नहीं है, चपेली आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो आप अच्छे से जानते हैं कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, भांगड़ा जो कि कहाँ का एक पंजाब का लोक नृत्य है, ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ठीक है, और आपके लोक और क्या है, आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, उड़ीसा का और कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ के, केरल के आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, जवाड़ा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई है, तो जवारा किस राज्य से उत्पत्ति हुई है जवारा नृत्य की, तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। गर्दी एक लोक नृत्य है जो कि कहाँ का है, आपका पुद्दुचेरी का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुद्दुचेरी का क्या है, गर्दी। ठीक, चलेगा। लोक नृत्य घुमरा किस राज्य से संबंधित है, तो आपका सही आंसर यहाँ से होने वाला है उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नृत्य शैली ढोलू कुनी था निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, ढिमसा आपका लोक नृत्य आपका किस राज्य से संबंधित है, तो आपका आंध्र प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ऑल क्लियर, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक, निम्नलिखित में से नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं। ठीक है, तो यह कौन सा नृत्य है आपका, ये हो जाएगा सुआ नृत्य। और ये कहाँ का है आपका, बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ये आपका छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, चलेगा। गुरु केलुचरण महापात्रा का नाम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है, तो आप सब जानते हैं उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। ठीक है, दो ऑप्शन इसके नेक्स्ट पेज पर हैं आपके पर, ये रहे। ठीक है, लेकिन उसका आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, उड़ीसी हो जाएगा। आगे कह रहा है लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, गोवा से संबंधित है कुणबी। ठीक है, आप गोवा घूमने जाते हो तो पूरे कुणवा के साथ जाते हो ना, ठीक है, ऐसे याद कर लेना, कुणबी कहाँ से संबंधित है, गोवा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सदिर नाम से जाना जाता था, तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसका भरतनाट्यम आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। पोपदास राज्य का एक लोक नृत्य है, पोपदास कहाँ का है आपका, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है, पोपदास कहाँ का है, महाराष्ट्र का। ठीक है, आगे चलते हैं।
31 नंबर पर यह कह रहा है आपका, पारंपरिक रूप से 13 ताली, कौन सा 13 ताली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित? सर राजस्थान से। अगर राजस्थान की जगह पर ऑप्शन में मध्य प्रदेश दिया हुआ हो और राजस्थान ना दिया हुआ हो तो आपका मध्य प्रदेश राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दीयों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा चरी नृत्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुरी नृत्य। ठीक है, ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य है, यानी कि कौन सा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कालबेलिया, जो कि राजस्थान का है। ठीक है, अगला कह रहा है, ये अमूर्त धरोहर साइड में कब सम्मिलित, यूनेस्को की अमूर्त धरोहर साइड में कब सम्मिलित किया गया था? 2010 में सम्मिलित किया गया था। पोवड़ा, आगे कह रहा है पोवड़ा नृत्य, कौन सा पोवड़ा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ठीक, चलेगा आगे, क्वेश्चन है आपके सामने सर, रठवा नी घेर गुजरात की एक रठवा जनजाति द्वारा के अवसर पर किया जाता है, यानी कि ये रठवा जो नृत्य है ये कौन से त्यौहार पर मनाया जाता है? ये आपके होली पर मनाया जाता है, कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, रठवा नी घेर। ठीक, और आगे क्वेश्चन कह रहा है आपका, गिद्दा किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो गिद्दा कहाँ से? आपका पंजाब से संबंधित है, आपको अच्छे से पता होगा। ठीक, चलिएगा अगले क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? देखो, कुचिपुड़ी आपको पता है शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी है, उड़ीसी है, लेकिन बुकागू नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राउत नाचा आपका कहाँ से संबंधित है? ठीक है, राउत नाचा आपका किस राज्य से संबंधित है? तो आपको राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा छत्तीसगढ़, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ आपका सही आंसर हो जाएगा। वार्डो छम एक लोक नृत्य है, ये कहाँ का है आपका वार्डो छम? ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। ठीक, आगे कह रहा है, उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में तलवार के साथ किया जाने वाले लोक नृत्य को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छोलिया। क्या हो जाएगा? छोलिया आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत कम टाइम में और ज़्यादा चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएं, इस पर्पज़ से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, चलेगा अगला क्वेश्चन आपके सामने, कृष्णा नट्यम निम्न में से कौन से राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मारुनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य। ठीक है, मारुनी नृत्य कहाँ से है? सिक्किम राज्य से आपका संबंधित हो जाएगा। परिचकली निम्नलिखित में से किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो परिचकली कहाँ से हो जाएगा आपका? लक्षद्वीप से हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, कहाँ से हो जाएगा? लक्षद्वीप से आपका संबंधित हो जाएगा। ठीक, आगे कह रहा है, इस्पाहो नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? इस्पाहो नृत्य आपका लद्दाख से संबंधित है हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है आपका, प्रसिद्ध नृत्य चेमनचेरी कुनिरामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित हैं? ठीक है, नृतक हैं ये, किस राज्य नृतक से संबंधित है? ये कथकली से संबंधित है, और कथकली कहाँ का है आपका? केरल का। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिक्किम के लिंबू समुदाय का पारंपरिक संगीत या यंत्र है, या कौन सा यंत्र है जो लिंबू समुदाय का पारंपरिक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर यहाँ से होगा चाप ब्रुंग। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का एक नृत्य है? तो कर्नाटक का नृत्य कौन सा हो जाएगा? देखो, राउफ कहाँ का है आपका? और राउफ आपका जम्मू कश्मीर का, कर्मा आपका छत्तीसगढ़ का, और लावा आपका महाराष्ट्र का, लेकिन आपको कहाँ का पूछा है? आपको पूछा हुआ है आपको कर्नाटक का। ठीक है, तो एक सेकेंड, आपको कहाँ का पूछा है? कर्नाटक का। ठीक, तो आपका हो जाएगा बिलोटा आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? बिलोटा आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में बिलोटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है,
नृत्य रूप डांडिया का पर्याप्त है। डांडिया कहाँ कब मनाया जाता है ये पूछ रहा आपका, तो नवरात्रि पर आपका डांडिया नृत्य किया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये बोल रहा है नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाह समुदाय द्वारा किया जाता है। ये आपका हो जाएगा धनगर। ठीक है, आगे कह रहा है पाकिस्तान की कौन सी जनजाति बजरी नृत्य नामक पारंपरिक लोक नृत्य करती है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी पश्तूनी आपका नृत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कर्मा निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो आपका क्या हो जाएगा, झारखंड आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड से आपका कर्मा नृत्य है और छत्तीसगढ़ के भी कुछ राज्य मतलब जिलों में मनाया जाता है। ठीक है, कुछ एरिया में। ठीक, चलिएगा और आपके 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य तमाशा नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो तमाशा नृत्य आपका महाराष्ट्र से संबंधित हो जाएगा। कहाँ से? महाराष्ट्र से संबंधित हो जाएगा। ठीक, चलिएगा आगे क्वेश्चन कह रहा है आपका कौन कुमायूं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो प्राय शादियों और बसंत के समय पर किया जाता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चापेली। ठीक है, आगे कह रहा है नौटंकी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो आप अच्छे से जानते हैं उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक, चलेगा आगे कह रहा है तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, सबसे लोकप्रिय नृत्य आपका तमिलनाडु का कौन सा है, तो ये हो जाएगा कारगम। ठीक है, क्या हो जाएगा, कारगम हो जाएगा। ठीक, चलेगा जागोई नृत्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है जागोई नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो जागोई नृत्य आपका मणिपुर राज्य से संबंधित हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका प्राचीन पंजाब के लोकगीतों से उत्पन्न में अक्सर एक प्रेमी की कथा को दर्शाया गया है, ये आपका कौन से लोक नृत्य से, टप्पा से। ठीक है, टप्पा में एक प्रेमी की कथाओं का दर्शाया गया है। ठीक, चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर और आंसर करके बताइएगा, सर कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है, यह त्यौहार में मनाया जाता है, मतलब कौन सी ऋतु में, यानी कि कौन से मौसम में मनाया जाता है, तो पतझड़ ऋतु में मनाया जाता है। ठीक, चलिएगा आगे कह रहा है आपका नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित है, तो 60वां क्वेश्चन है ये भगवान शिव को समर्पित है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जाना जाता है, बांस नृत्य किस नाम से जाना जाता है, यानी कि आपका चेराब नृत्य के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे कैसा कह रहा है लेस ल पतूर लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, नागालैंड से आपका संबंधित है। ठीक है, चलेगा अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध नृतक टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य की शैली की प्रतिपादक हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने और पढ़िएगा और एक बार आंसर करके बताइए मुझे, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में डमहल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है, कहाँ से जुड़ा हुआ है आपका, ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। डमहल कहाँ से हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिएगा कटु वास्तविकता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छ कटिका, ठीक है, मिट्टी की छोटी गाड़ी किसने लिखा है, तो ये आपका किसने लिखा है, ये आपका शूद्रक ने लिखा है, किसने, शूद्रक ने आपका लिखा है। ठीक है, आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है, तो आपका नहीं है, कौन सा नहीं है, डांगी। ठीक, कौन सा नहीं है, डांगी आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है। ठीक, आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है, ये आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भवई आपका मार्शल आर्ट का नहीं है। ठीक है, आगे कैसा है विदेशिया नृत्य किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है, तो एक हरियाणा केरल, आंसर करके बताइए विदेशिया कहाँ का है आपका, बिहार से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है विदेशिया, आपका बिहार से संबंधित है। ठीक, किससे, बिहार राज्य से संबंधित है। ठीक, बिहार राज्य से। ठीक है,
और आगे क्वेश्चन कह रहा है आपका, भारत का लोक नृत्य नहीं है, यानी कि भारत का कौन सा एक लोक नृत्य नहीं है, तो आप बताएंगे कि लोक नृत्य नहीं है यानी कि शास्त्रीय नृत्य होगा वो फिर हैं, तो वो कौन सा है आपका, मोहिनीअट्टम। ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य, केरल का आपका शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। राखल लीला किस राज्य का एक लोक नृत्य है, राखल लीला किस राज्य का है आपका, असम राज्य का आपका लोक नृत्य है, ठीक है, चलिएगा आगे। कह रहा है यक्षगान किस राज्य की एक लोक नृत्य लोक प्रस्तुति है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है, क्या हो जाएगा, कर्नाटक आपका सही आंसर हो जाएगा। कूद नृत्य यहाँ एक प्रसिद्ध नृत्य के रूप में है, ये कूद नृत्य कहाँ से हो जाएगा आपका संबंधित, एक बार बताइएगा मुझे, जम्मू कश्मीर से आपका संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली उड़ीसी से संबंधित है, तो उड़ीसी से संबंधित उड़ीसा ही हो जाएगा आपका, सही आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य नाटक है, यानी कौन सा एक नृत्य है जो नाटक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कथकली, ठीक है, कहाँ का है, केरल का, ठीक, चलेगा आगे। है अगला क्वेश्चन कह रहा है पुलिकली जिसे 2017 में मनाया गया था, भारत के किस राज्य की एक लोक नृत्य शैली है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुल्लीकुली, कहाँ के है, कली से मतलब याद रखना केरल, ठीक है, केरल से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है, तो आप बताइएगा सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य कौन सी है आपकी, भरतनाट्यम आपका सबसे पुरानी कौन सबसे पुरानी क्या है शास्त्रीय नृत्य शैली है, जो सदर नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। आगे कह रहा है क्वेश्चन, और आप आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य से संबंधित हैं, तो आपका कथक नृत्य से संबंधित हो जाएंगी, किस नृत्य से, कथक से संबंधित हो जाएंगी, ठीक है। और ऐसी ही वीडियो अगर नेक्स्ट को आगे की ऐसी इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब जय हिंद जय भारत।